असलम महरूम आज का हमारा टॉपिक जे एन एल चैप्टर फोर की कम्प्लीट एक्सप्लैनेशन है एक्सप्लेशन स्टार्ट करने से पहले हम करेक्टर देख लेते हैं जो कि हमें न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट का वो ऑर्फन स्कूल के हेड हैं ठीक है थीके? तो जब हम आगे इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि उनका इस चैप्टर में क्या रोल है तो मिस्टर लॉयट से जो जेनियर की तमाम तरह डिस्कशन हुई थी उसके बाद जेनियर एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसे बहुत जल्द स्कूल भेज दिया जाएगा लेकिन उसको अपने इर्द गिर्द जो जो चेंज नोटिस हुआ था वो उसका स्टेटस था ठीक है किस तरह से उसका स्टेटस था कि जो रेड रूम उसके लिए जो बाउंड्री बना दी गई थी तो उसके बाद से जो भी वो जे रेड रूम का जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जेन और जो रीड के बच्चे थे उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसको हटाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था क्योंकि वो उसको बिल्कुल पहले इवन उससे लड़ाई कर लेते थे मिसेस रीड के बच्चे लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से जेनियर और मिसेस रीड के चिल्ड्रन जो थे उनके दरम्यान टोटल हम कह सकते हैं जो भी कनेक्शन था वो कट ऑफ हो गया था वो इवन एक दूसरे से लड़ाई तक नहीं करते थे जे जो जॉन था वो अपनी डोमिनेंसी भी नहीं शो करता था वो बिल्कुल उससे अलग होके रह गए थे पंद्रह पंद्रह जनवरी को मतलब इस चेंज का जब इंतज़ार करती थी जे एन उसने मिस्टर लॉइड से बात की थी स्कूल के लिए तो उसके तकरीबन तीन महीने के बाद पंद्रह जनवरी को जैन को ब्रेकफास्ट रूम में बुलाया गया वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया था उसको अपने वो नर्सरी रूम में उसके अलावा उसको कहीं और जाने की परमिशन नहीं थी लेकिन तीन महीने के बाद जेन ईयर को ब्रेकफास्ट रूम में बुलाया गया वहाँ पर जो जेन ईयर थी उसने देखा कि मिस्टर ब्रोकल हर्स जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं उसका उसने जब मिस्टर ब्रोकल हर्स को सबसे पहले देखा तो उससे लगा कि वो एक ब्लैक पिलर है मतलब ब्लैक पिलर की तरह खड़े हुए हैं और उसको उनकी शख्सियत बहुत अजीब सी लगी तो जो मिस्टर ब्रोकल हर्स थे वो वहाँ पे जिनका आने का मेन मकसद था वो जेन का इंटरव्यू लेना था स्कूल के लिए तो जो मिस्टर ब्रोकल हर्स थे उन्होंने जे से इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने जो स्पेसिफिक चीज़ें पूछी वो हेल सिन और बाइबल के बारे में पूछी यानी कि दोजख गुनाह और बाइबल के बारे में पूछी जो उसकी आंट थी यानी मिसेस रीड थी वो उन्होंने मतलब ब्रोकल हर्स जो था उसके सामने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि जो जे के जो, जो मॉरल कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शीडन प्रोजेस गुड मॉरल कैरेक्टर तो फिर जब मिस्टर ब्रोकर हर्स ने उनकी बात सुन ली थी लेकिन जब जेनियर से उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उसने साम आर नोट इंटरेस्टिंग एक बुक है ये क्रिश्चंस की बुक है उनके लिए साम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है लेकिन जो जेनियर है डिक्लेयर किया कि उसके नज़दीक वो बुक बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है जिसकी वजह से ब्रोकल जो है उसको हम कह सकते हैं बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो अपनी बात जो बात जिसको वो सही समझता था वो ये वो यही चाहता था कि बाकी भी इस चीज़ को सही समझे और अपनी किसी रिलीजियस बुक्स को इंटरेस्टिंग ना कह देना एक बड़ी ज़रूरत की बात होती है और बिल्कुल एक सच्चाई की बात होती है अगर वो चीज़ नहीं है उसको निगलेक्ट करना हर बंदे की बस की बात नहीं होती लेकिन जैन ने अपनी मतलब हम कह सकते हैं पहली बार डेयर किया कि वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको खुल के बता सके तो जेन जो मिसेस रीड थी तो उन्होंने मतलब बहुत बुरे तरीके से इस चीज़ पर रिएक्ट किया और उन्होंने मतलब हम कह सकते हैं जेन की इमेज को बुरा करने के लिए ब्रोकल हर्स के सामने एक बात यह भी कही कि जो उनकी भांजी है यानी मिसेस रीड की जो भांजी है वो झूठी है वो बहुत झूठ बोलती है तो जब उन्होंने ये सारी बातें मिसेस रीड से सुनी ब्रोकल हर्स ने तो उसने इस चीज़ को डिक्लेयर किया और उसने जो मिसेस रीड है उसे प्रॉमिस किया कि मैं जब इसको स्कूल लेके जाऊंगा जाऊँगा तो मैं स्कूल में तमाम मेम्बर्स को इसके इस बुरे नेचर के बारे में बताऊँगा कि ये झूठ बोलती है इसकी जो करेक्ट मॉरल करेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो जो जेन होती है उसको बहुत गु़स्सा आता है मिसेज रीड की स्टेटमेंट पे कि जो उन्होंने उसके करेक्टर पर दिया कि इसका मॉरल करेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो मतलब सबसे ज़्यादा उसको बुरा इस बात का आता कि उसने ब्रोकल हर्स्ट के सामने ये बात की अगर वो दोनों अकेले होते तो शायद वो कुछ भी ना करती जेन अपनी आर्ट से हम ये कह सकते हैं एक तरह से मतलब बदला लेना चाहती थी या पहले उसने इस चीज़ सारी चीज़ों को माफ कर दिया था लेकिन जब से उसने तो काइंडली वीडियो उस चैनल चैनल को लाइक करें और कर सकती है शोर के सामने तो जेन ईयर का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन जेन ने अपनी सफाई में कहा अपनी आप इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि वो झूठी नहीं है और जो उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा फख्र है कि जो मिसिज रीड है उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और वो मतलब इन सब से दूर हो जाएगी और उसके बाद जो मिस्ट्री मिसिज रीड थी वो हम सब भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त दिल की थी उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जेनर किस हालात में है और किस तरह से है तो जो ये पूरा चैप्टर था ये एंड इस तरह से होता है कि जो जेन और बेस्सी होती है उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है तो जेन बेस्सी से प्रॉमिस करती है कि वो अपने इन आखिरी चंद दिनों में जो गेट्स एड हॉल में उसके हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारेगी और सबसे अच्छी बन के रहेगी लेकिन बेसी ही वहाँ पर पहली बार क्लेम करती है कि उसको जेन बाकी यानी मिसेस रीड के बच्चों से बहुत ज़्यादा पसंद है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो कन्फेस्ट करती है कि उसकी जो माँ है उसने ये नोटिस किया है कि जो जेन है उसको कितनी दफ़ा रीड मतलब जो रीड्स हैं रीड्स मतलब मिसि रीड उनके बच्चे हैं वो किस तरह से उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं अक्सर तो उनके दरमियान एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है लास्ट स्टेज में बेसी की और जेन की और उनके दरमियान एक फ्रेंडशिप का आवाज़ हो जाता है बेसी जेन को बता फिर मतलब इसी फ्रेंडशिप की वजह से जो जेन है उसको बेसी बहुत ज़्यादा इंचाइटिंग स्टोरी सुनाती है और उसको बहुत से गाने भी सुनाती है ताकि उसका मूड लिफ्ट अप हो जाए तो ये चैप्टर फोर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी एनालिसिस भी दूँ तो काइंडली लेट मी